हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, विंटर में फेस पे लगाए नेचुरल चीज़ें भूल जाएंगे सारे मॉइस्चराइजर। पर इससे पहले फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विंटर सीजन यानी सर्दियों के मौसम की सबसे आम समस्या है स्किन का ड्राई और रफ हो जाना। विंटर सीजन में स्किन को मॉइस्चराइज रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो ड्राइनेस के अलावा स्किन फटने की प्रॉब्लम तो हो ही सकती है। खुजली, रैशेस जैसी स्किन डिजीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सर्दियों में कैसे करें स्किन केयर? वैसे तो बाजार में ढेर सारी महंगी स्किन केयर क्रीम्स, कोल्ड क्रीम्स और मॉइस्चराइजर मिलते हैं, लेकिन जो बात नेचुरल चीज़ों में है वे उनमें नहीं। अगर आप रेगुलर घर पर ही मौजूद कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए तो न केवल स्किन मॉइस्चराइजर रहेगी बल्कि सॉफ्टनेस, फेयरनेस और ग्लो भी बढ़ जाएगा, और इनसे किसी किस्म का साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। ठंड में चेहरे पर कौन सी नेचुरल चीज़ें अप्लाई करें? ठंड में चेहरे पर हनी, मलाई, नारियल का तेल जैसी नेचुरल चीज़ें अप्लाई की जा सकती हैं। इसके लिए चेहरे को अच्छे से गुनगुने पानी से धो लें और टावल से थप थपाकर सुखा लें। इसके बाद ये नेचुरल चीज़ें आगे बताएंगे किस तरीके से आपको अप्लाई करनी है। मलाई एक बेहतरीन नेचुरल मॉइस्चराइजर है, स्किन को क्लीन करके ग्लोइंग बनाने में हेल्पफुल है। मलाई में चुटकी भर हल्दी या शहद मिलाकर स्किन की हल्की मालिश करें, 10 मिनट बाद सादे पानी से धो लें। केला, इसमें विटामिन ए और विटामिन सी डल और डैमेज स्किन को रिपेयर करते हैं। ये स्किन को मॉइस्चराइजर करके नेचुरल ग्लो देता है। केले के पेस्ट में आधा चम्मच शहद मिलाएं और स्किन पर लगाएं, 20 मिनट बाद आप गुनगुने पानी से धो लें। कोकोनट ऑयल, इसमें मौजूद लॉरिक एसिड स्किन को अंदर से मॉइस्चराइजर करता है। इसकी एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टी झुर्रियों से बचाती है। कोकोनट ऑयल को हल्का गुनगुना करके स्किन की मालिश करें। बटर मिल्क यानी कि छाछ, इसमें महंगी क्रीम में इसे डाला जाता है और इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन को मॉइस्चराइजर करके यंग बनाता है। कॉटन या कपड़े को छाछ में भिगोकर स्किन की क्लींजिंग करें और 10 मिनट के बाद सादे पानी से धो लें। हनी, ये नेचुरल एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट होता है। रेगुलर लगाने से स्किन क्लीन, सॉफ्ट और ग्लोइंग हो जाती है। 2 चम्मच शहद को आधा कप गुनगुने पानी में मिलाकर स्किन पर लगाएं, 15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें। खीरा, ये स्किन को हाइड्रेट रखता है। इसमें मौजूद मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रखते हैं और रिंकल से बचाते हैं। खीरे को सलाद में खाएं, इसकी स्लाइस को आंखों पर रखें। खीरे के पेस्ट में कुछ बूंदें शहद मिलाकर स्किन पर लगाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साइड में नोटिफिकेशन बेल आइकन है, प्लीज़ उस पर क्लिक करना ना भूलें। अगर आपको कोई समस्या है और आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी समस्या हमारा समाधान। मैं आऊंगी हर रोज एक नई वीडियो के साथ, एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जब तक के लिए हेल्थी रहें, फिट रहें, खुश रहें। बाय बाय।